डे वॉज गुड। इनफैक्ट कल हम फ्रेंड्स की बात कर रहे थे तो आई वेंट आउट एंड चेक्ड आउट उनके नए एपिसोड जो आने वाले हैं ऑन यूट्यूब। क्या बात कर रहे हैं, कैसे लगे आपको? आई थिंक ऑनेस्टली मुझे बड़े डिप्रेसिंग लगे बिकॉज हमने जब फ्रेंड्स लास्ट छोड़ा था सीजन 10 में उस टाइम पे वो सब यंग थे, यू नो दे वर लुकिंग यंग, उस टाइम पे खत्म हो गया। तो हमारे मन में फ्रेंड्स की इमेज वॉज यंग यूथ। अब साले बुड्ढों को देख रहा हूँ मैं तो बड़े अजीब लग रहे हैं वो, यू नो मोटे से हो गए हैं, मुंह फूल गया है। स्पेशली मैथ्यू पेरी, ही वॉज लुकिंग इन रियल ट्रबल बिकॉज ही वॉज स्लरिंग। थकी हुई बॉडी लैंग्वेज, प्लीज बोलिए। हाँ, तो आई मीन ऑब्वियसली ही हैज गॉन थ्रू अ लॉट, यू नो, एडिक्शन, अल्कोहलिज्म एंड ऑल दैट, सो ही हैज कम आउट ऑफ इट आल्सो। बट यू नो यू जस्ट फील कि यू नो Life has taken a lot of toll on them. होटों को पता नहीं क्या करते हैं वो हॉलीवुड वाले, पता नहीं लिप कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं। तो बहुत ही ज्यादा चल रहा है ना दादा, लिप जॉब और सारा सब फेस लिफ्टिंग वो सब उधर पे बहुत ही ज्यादा कॉमन है। बहुत आर्टिफिशियल, बहुत अजीब लग रहा था। मतलब ऑनेस्टली वो चेहरे भी उनके जैसे फुगे हुए लग रहा है, स्वेलिंग आ गई है चेहरों पे। बल्कि मुझे तो लगता है कि जेनिफर एनिस्टन ने तो मुझे लग रहा है कि उसमें कुछ वो भी करवाया है आपको, मतलब मैं CGI भी कराया है। उसका चेहरा पता नहीं कैसा अजीब टाइप का, एनिमेटेड टाइप का लग रहा है उसमें, यू नो कि थोड़ा सा CGI से भी फिक्सिंग कराई हो प्रोमोज में। मतलब आपको शर्मन जोशी ट्राइज टू कमिट अ सुसाइड और उसके बाद उसको हॉस्पिटल में दिखाते हैं कि वो बहुत ऐसा पट्टी वट्टी लगी हुई है, लेकिन ये दोनों शायद जब निकल रहे होते हैं तो ही लुक्स एट देम एंड स्माइल्स, है ना, वो पूरे इतना दर्द दोनों दोस्तों को देख के मुस्कुराता है। तो वो फोटो लिया, वो फोटो हंसता हुआ शर्मन जोशी का चेहरा, और उसमें उन लोगों ने लिखा पीपल हु वॉच्ड राधे आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर ऑफ द फैमिली सीजन 2। मतलब राधे देख के हॉस्पिटल में चला गया और वहाँ उसने फैमिली 2 देखी उसने, लेकिन वो खुशी आ गई उसके चेहरे पे जैसे ही उसने सीजन। हाय, दिस इज अलोक, मेरा नाम है नितिन, और अगर आप पूरा एपिसोड सुनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करो। और नितिन ने जो कहा आप लोगों ने नहीं किया तो लिंक आपको जरूर देख लेगी। दिस इज न्यूज़टेनमेंट टेलीविजन।